ओके, बुकलेट को ओपन करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आज यहीं से देख लो, अदरवाइज आपको लानी पड़ेगी अब, क्योंकि जो एनसीईआरटी के टॉपिक है बुकलेट में से रेफर करेंगे, कंपटीशन का हम शीट्स बनाते जाएंगे, तो बाहर से ले आओ या तक जाते हुए ले लेना। और कोई इसको नहीं मिली? देखो एक टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं जिनको बुकलेट नहीं मिली वो प्लीज अपना रिसेप्शन से प्लीज अपनी बुकलेट इशू करवा लें। देखो एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, देखो एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल समझते हो। देखो बुकलेट ओपन करो, बुकलेट का पेज नंबर 46, तो ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है कोई बात नहीं, आप यहीं से देख लो, आपकी बुकलेट में है ही ये, तो इसके अंदर कॉमन पोटेंशियल क्या चीज है इसको समझते हैं। ध्यान से समझना, आपके पास एक पानी का टैंक है बड़ा और एक छोटा, छत पे लगते हैं, कई बार दो टैंक भी लगते हैं और आपस में पाइप से कनेक्टेड भी होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो छोटा टैंक है ऐसा देखते हो, जब आप पानी देखते हो तो एक में बहुत बड़ा पानी है एक में छोटा पानी है, नहीं ऐसा कभी नहीं होता, पानी का लेवल दोनों में एग्जैक्टली सेम रहता है, इरिस्पेक्टिव कि कोई टैंक छोटा है या बड़ा है। आप इमेजिन करो ग्रेविटेशन में हाइट को मेजर किया जाता है बाय पोटेंशियल, हायर दी हाइट हायर दी पोटेंशियल एंड हायर दी पोटेंशियल की एनर्जी। तो मान लो एक टैंक में बहुत बड़ा टैंक है पानी का लेवल इतना है, एक में पानी छोटा टैंक है पानी का लेवल इतना है, आपने पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो आप देखेंगे पानी मूव करेगा फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, कब तक, जब तक उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, जब तक उनका पानी का लेवल सेम नहीं हो जाता, हम क्या बोलते हैं, दे हैव अटेन अ कॉमन पोटेंशियल। अब कोई कहे कि सर पानी शेयर होगा, बिल्कुल शेयर होगा, कहां से कहां जाएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ये नहीं कि जब तक दोनों में पानी सेम होगा, पानी छोटी छोटे टैंक में कमी रहेगा बड़े टैंक में ज्यादा रहेगा, पर लेवल सेम हो जाएगा। कैपेसिटर का भी सेम है, मान लो एक कैपेसिटर है C1, इसको आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया V1, तो इसमें चार्ज कितना आ गया C1 × V1। एक और कैपेसिटर है कितना C2, आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया V2, तो चार्ज की वैल्यू कितनी है इसमें C2 × V2। इंडिपेंडेंट है दोनों से, कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से, इसकी कैपेसिटेंस C1 इसकी C2। अब किसी में ज्यादा चार्ज है किसी में कम चार्ज है डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटी, या ऐसे बोलो किसी का ज्यादा पोटेंशियल है किसी का कम पोटेंशियल है, तो जब आप इन्हें कनेक्ट करेंगे तो चार्ज मूव करेगा पानी की तरह फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल कैपेसिटर टू अ लोअर पोटेंशियल कैपेसिटर, कब तक, जब तक दे अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, जब पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो थोड़ी देर के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों पे चार्ज सेम हो गया, दोनों पे पोटेंशियल सेम हो गया, क्लियर है यहां तक? तो जब मैंने इन्हें कनेक्ट नहीं किया था तो टोटल चार्ज बोलो इस पे कितना है, Q1 प्लस Q2 चार्ज है, और Q1 की वैल्यू कितनी है C1 × V1, Q2 की वैल्यू कितनी है C2 × V2। तो बिफोर कनेक्शन टोटल चार्ज दोनों कैपेसिटर पे इतना है, और जब मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया वायर के साथ तो चार्ज शेयर हो गया, देखो तो चार्ज गायब तो हुआ नहीं, चार्ज रहेगा तो दो कैपेसिटर के बीच में, दो टैंक को जोड़ेंगे तो पानी तो सेम ही रहेगा, चाहे एक टैंक से दूसरे टैंक में गया, तो इसीलिए इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, ये चार्ज आ गया, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, ये चार्ज आ गया, चेक करो चार्ज, टोटल चार्ज अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज विल रिमेन सेम,
बिफोर कनेक्शन आफ्टर कनेक्शन, चार तो टोटल, चार तो सेम ही रहेगा दोनों में मिला के, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, सी वन इंटू वी वन प्लस सी टू इंटू वी टू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू इंटू वी कॉमन, इसमें से कॉमन आ गया सी वन प्लस सी टू, तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू। तो ये फॉर्मूला बन गया कॉमन पोटेंशियल का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर सेम, वी स्टैंड फॉर कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कई बुक्स में कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये लिखा होता है, सी वन वी वन की जगह लिखा होता है क्यू वन, सी टू वी टू की जगह लिखा होता है क्यू टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू। तो दिस इज, दीज टू आर द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। तो ये याद रखना, ये कब काम आएगा, जब एक कैपेसिटर के पास चार्ज है, एक के पास या अनइक्वल चार्जेस हैं, और जब हम दो कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर देते हैं तो दे अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल निकालने का ये तरीका है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब दूसरा टॉपिक एनसीईआरटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप चार्ज को शेयर करते हैं, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी का लॉस हो जाता है, टोटल एनर्जी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के उसमें चार्ज की मूवमेंट है, चार्ज की मूवमेंट से कुछ स्पार्किंग भी होती है, आप नोट करते हो, हीट भी जनरेट हो जाती है, तो वो हीट की